सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हमें हमेशा बड़े सपने देखना चाहिए क्योंकि अगर हम उनको देख सकते हैं तो हम निश्चय ही उनको पूरा भी कर सकते हैं। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए जिसने आपको ये तीन भेंट दिए हो, साथ समय और समर्पण। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान और कर्मों से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। आज का पंचांग 12 अगस्त 2021 दिन गुरुवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 3:25 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 8:52 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:08 से 3:44 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 12 अगस्त 2021 दिन गुरुवार, अपने दुख को रहस्य न रखें। अगर आपका स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का कारण बन गया है तो शांति और मार्गदर्शन के लिए अपने परिवार और दोस्तों की राय लें। अचानक मिला धन योजनाओं को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है। बुराइयों से बचे और इसकी जगह नेचर का मजा लें। आप में लोगों की प्रतिभा को निखारने की क्षमता है। आज बुरी आदतें आपको अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, किंतु आपका समझदार व्यवहार हर मुसीबत से बचाएगा। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चले, इसलिए आप अपने रास्ते को खुद चुनिए। दूसरों से उम्मीद करने के बजाय अपनी मेहनत और क्षमता पर विश्वास रखें। आपके काम सुचारू रूप से बनते जाएंगे। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में भी व्यतीत करने से नई ऊर्जा और स्फूर्ति की अनुभूति होगी। कोई कार्य सिद्धि भी संभव है। छोटी मोटी रिस्क लेने की वजह से आपको तुरंत प्रगति नजर आएगी। अटकी हुई बातें पूरी होने लगेगी। सरकारी काम संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए परिचित व्यक्ति की सहायता लेने की आवश्यकता है। मित्रों के साथ बिताए हुए समय आपको आनंद देगा और मित्र आपका हौसला बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। व्यापार क्षेत्र से जुड़े लोगों को सोच समझकर कदम उठाने होंगे। पार्टनर आपका कठिन परिस्थिति में भी साथ देंगे। उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। कान का दर्द या कान संबंधित इन्फेक्शन होने की भी संभावना बन रही है। सावधानियां, कभी कभी ज्यादा प्राप्ति की इच्छा और जल्दबाजी करना नुकसान दे सकता है। सहज तरीके से अपने कार्यों को निपटाते चलें। बच्चों की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखें। समय रहते उचित कदम उठाने से परिस्थितियां संभल जाएगी। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी के साथ रोमांटिक संबंध रहेंगे। प्रेम विवाह के इच्छुक लोगों को शुभ समाचार भी मिल सकता है। अपने गुण और मानसिक शक्तियों के कारण आप सब कुछ पाने में सक्षम हैं, जिसकी भी आपको इच्छा है। अपनी चाहत का इजहार करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाना ना भूलें। इससे आपका रोमांटिक जीवन और भी स्पाइसी बन जाएगा। सफर करते समय सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। आपका रोमांटिक स्वभाव आसपास के माहौल को भी गुलाबी बना देगा, जिससे आप कुछ उत्तेजक और आनंदित क्षणों को महसूस कर पाएंगे। अपने शारीरिक सुख से पहले अपने साथी के साथ कुछ समय यौन क्रीड़ा में व्यतीत करने से आपका रिश्ता अटूट बनेगा। इस मदहोश करने वाले दिन में बुरी आदतों के बारे में ना सोचें। बात करते हैं करियर की। आज आपकी योजनाएं या काम पूरे होने की संभावना कम है, किंतु आने वाले समय आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। किसी की बुराई या दोष निकालने से अच्छा है खुद के विचारों को शुद्ध करना। नए व्यापार शुरू करने या
उसके विकास के लिए यह समय अनुकूल है। अपने दोस्तों और सहकर्मियों से अच्छे संबंध आपके प्रदर्शन को बेहतरीन बना सकते हैं। आज पार्टी ड्रिंक्स और नशे आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, इसीलिए थोड़ा बचें। समझदारी से काम करना आपको भविष्य में होने वाली कई परेशानियों से बचाएगा। अपने ध्यान को भटकने ना दें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको समझते हों। बात करते हैं सेहत की। अत्यधिक थकान की वजह से माइग्रेन व सर्वाइकल का दर्द परेशान करेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। कान का दर्द या कान संबंधित इन्फेक्शन होने की भी संभावना बन रही है। आज का उपाय, आज आप गरीबों को केले का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।